हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं प्रीति आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, और ये देखिए हमारे माधव ने स्नान कर लिया है। मैंने माधव को स्नान करा दिया है और न्यू ड्रेस पहना दी है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ माधव का श्रृंगार शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और माधव का श्रृंगार आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने माधव को स्नान करा के ड्रेस पहना दी है, और अब सबसे पहले मैं ये वाला गले का सेट है तो आज इसे मैं कमरबंद की तरह यूज करने वाली हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से करके और बांधूंगी कमर पे, तो इसे कमरबंद हैवी हैवी सा कमरबंद का लुक आएगा। तो जो गले के हार वगैरह होते हैं लॉन्ग सेट, उसका आप कमरबंद की तरह भी यूज कर सकते हो। तो आज मैंने इसी से कमरबंद बनाया है। ये देख आप देख सकते हो कितना हैवी सा कमरबंद लग रहा है हमारे माधव का। और अब पहनाऊंगी गले में। सो ये देखिए ये वाला सेट है, ये ड्रेस के साथ में मैच कर रहा है, और इसका बहुत अच्छा सा लुक आएगा। जरकन का है तो बहुत अच्छा लुक आएगा इसका, इसलिए ये वाला पहनाऊंगी। भूल कन्हैया भूल तुझे मैं कौन सब जन सुनाऊं, भूल कन्हैया भूल तुझे मैं कौन सब जन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे, ऐसा कोई राग बता दे जिसको मैं ही गाऊं, भूल कन्हैया भूल तुझे मैं कौन सब जन सुनाऊं। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ये हाथों में मैंने कड़े पहना दिए हैं, और जब भी मैं अपने लाला का, राधा रानी जी का या माधव का श्रृंगार करती हूँ तो जो भी भजन मुझे एक लाइन दो लाइन जो भी आता है मैं ज़रूर गुनगुनाती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इससे हमारे ठाकुर जी भी खुश होते हैं। तो अभी मैंने हाथों में देखिए खड़े पहना दिए हैं माधव को, और अब इसके बाद ये देखिए कानों में ये वाले टॉप्स पहना रही हूँ, ये भी जरकन के हैं तो सेट के साथ भी मैच कर रहे हैं, और प्लस जरकन की जितनी भी ज्वेलरी होती है वो सारी ड्रेसों के साथ में चल जाती है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी हमारे पास ज्वेलरी है उसी से ही हम श्रृंगार कर सकते हैं। और अब तिलक लगा रही हूँ। तो ये हमारे माधव देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे माधव। और ये देखिए माधव को मैंने तिलक लगा दिया है, अब बाल लगाऊंगी। ये देखिए ये कर्ली वाले हेयर हमारे माधव लगाएंगे अब। तो बालों को इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद में पगड़ी बांधूंगी। तो जो इसके साथ में दुपट्टा है, पटका हमारे माधव का, एक मिनट अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये वाला जो पटका है तो इसी के साथ मैंने पगड़ी का कपड़ा भी निकाल लिया था, तो उसी से मैं पगड़ी बनाऊंगी अपने माधव की। तो ये देखिए ये कपड़ा है, इससे पगड़ी सेट करूंगी इस तरह से घुमा के अच्छे से राउंड करके, और कुछ इस तरह से
भी आप देख सकते हो। इस तरह से करके पगड़ी बनाऊंगी। तो ये देखिए, अभी पगड़ी बना के अच्छे से पिनअप कर दिया है, और बहुत ध्यान से पिन करनी होती है। हमारे ठाकुर जी को पिन लगनी नहीं चाहिए, बहुत केयरफुली होके श्रृंगार करना पड़ता है। तो ये देखिए, हमारे माधव की पगड़ी बनकर तैयार हो गई है, बंध गई है पगड़ी। और इसके साथ में जो भी आपके पास कलंगी वगैरह हो, वो लगा के पगड़ी को और हैवी लुक दे सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि मैंने ये फ्लावर वाली कलंगी, इसको पगड़ी पे लगाया है, और बहुत अच्छा पगड़ी का लुक आया है, बहुत हैवी सी लग रही है। अभी मैं आपको एक बार अच्छे से बाद में दिखाऊंगी। तो अभी हमारे माधव की पगड़ी भी बन गई है, और ये देखिए हमारे माधव का श्रृंगार हो गया है। और ये पटका, जब मैं माधव को सिंहासन पे बिठा दूंगी तब उठाऊंगी। और ये हमारे माधव की मुरली है, अब हमारे माधव मुरली बजाएंगे। तो ये देखिए, मुरली दे दी है मैंने माधव को, और हमारे माधव का श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। सो चलिए, आप सभी को एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारे माधव का फाइनल श्रृंगार हो चुका है। तो ये देखिए, और ये पगड़ी आप सबको कैसी लगी है ज़रूर से कमेंट करके बताइए। और कानों में आज ये न्यू वाले इयर रिंग्स पहनाए हैं माधव को। तो ये आज का हमारे माधव का श्रृंगार है, आप सभी को कैसा लगा है ज़रूर से बताइए। अगर आपको श्रृंगार पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आप अपनी फैमिली में शेयर कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।